कोंकण रेलवे के एक रूट पर पहाड़ खिसकने की वजह से मलबा आकर पटरी पर बिखर गया, जिसको देखकर वहां से गुजर रही एक ट्रेन ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। इस ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और पटरी पर मलबा पड़ा देखकर फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगने से ट्रेन कुछ दूरी पहले ही रुक गई। ये देखकर पटरी के आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए। बारिश से बचने के लिए इन लोगों ने हाथों में छाते ले रखे थे। हालांकि वक्त रहते ड्राइवर ने ट्रेन को रोक लिया, जिससे कई जिंदगियां सुरक्षित हैं। एमपी के बैतूल में स्कूल जाने के लिए बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। भीमपुर में हुई बारिश की वजह से नदी में पानी बढ़ गया, जिसके बाद नदी उफान पर आ गई, लेकिन ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों की मुसीबत बढ़ गई। नदी पर पुल नहीं बना होने की वजह से बच्चों को एक छोटा बांध बनाने के लिए बनाए गए खम्भों से कूद कूद कर दूसरे छोर पर जाना मजबूरी बन गई। स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं ने जान जोखिम में डालकर अधूरे पड़े इन खम्भों से कूद कर जाना शुरू कर दिया। वहीं गाँव वालों ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बनाया था तो उसको भी तरीके का बनाना था, टोटल लापरवाही, रोज के एक्सीडेंट हो रहे, पैदल वाले गिर जा रहे। एक अधिकारी ने पुल बनवाने के बजाय इन बिगड़ते हालात में कुछ दिनों तक स्कूल की छुट्टी करने का ऐलान कर दिया। ऐसी स्थिति आएगी तो ऐसे भवनों में साला नहीं लगेगी और बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कुछ लोग पानी कम होने पर नदी पार करते दिखे तो एक आदमी अपनी बाइक के साथ नदी पार करने लगा। बिहार के बांका में एक दीवार गिरने के नीचे दबने से चार बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा घायल हो गया। हादसा तब हुआ जब बच्चे दीवार के पास खेल रहे थे, तभी अचानक दीवार उन पर गिर गई, जिसके नीचे सभी बच्चे दब गए। घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। मरने वाले बच्चों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे में अपने बच्चों को खो चुके घर वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। इस हादसे में एक ही परिवार के दो बच्चों की भी मौत हो गई, जिसकी वजह से पूरा परिवार सदमे में है। वहीं घटना के बाद मरने वाले बच्चों के घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। गुजरात के छोटा उदयपुर में भारी बारिश की वजह से वहां की ओरसंग नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी नदी के पास के कई रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया, जिसके बाद सड़क पर पानी का सैलाब बहता दिखाई दिया। इस दौरान बाढ़ के पानी में एक आदमी भी बहता हुआ दिखाई दिया, जिसे देख वहां मौजूद लोग चौकन्ने हो गए और उसे बचाने के लिए तेज बहाव के बीच आकर खड़े हो गए। लोगों ने पानी के साथ बहकर आए आदमी को पकड़ लिया और उसे खींचकर पानी से बाहर निकाला। वहीं बाढ़ के पानी में कई मकान भी तबाह हो गए, जबकि कई मकानों को बाढ़ अपने साथ बहा ले गई। दूर दूर तक केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। हालात इतने खराब थे कि नदी और सड़क में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया। बाढ़ की वजह से हर तरफ बर्बादी नजर आई। इस दौरान इलाके के लोग मदद के इंतजार में बाढ़ से तबाह हुए अपने मकानों के पास खड़े दिखाई दिए। अमेरिका की एक कंपनी ने एक ऐसा बोर्ड बनाया है जिस पर खड़े होकर लोग हवा में उड़ सकते हैं। ये बोर्ड बैटरी से चलता है, जिसके सहारे उड़ने के लिए लोगों को बोर्ड पर खड़ा होना पड़ेगा। सेंसर लगे होने की वजह से बोर्ड इंसान के चढ़ने के बाद अपने आप उड़ने लगता है। बोर्ड में 36 इलेक्ट्रिक मोटर लगी हैं, जिनकी मदद से ये जमीन से ऊपर उड़ सकता है। यही नहीं, इसमें चुंबक की 6 प्लेटें भी लगी हैं। इसे बनाने वाली आर्का स्पेस कंपनी ने 3 साल पहले इसका पहली बार प्रदर्शन किया था। First, I was a little nervous to be the fastest pilot of the Arca board. बोर्ड पर उड़ने के दौरान लोगों को संतुलन का खास ख्याल रखना पड़ता है। कंपनी ने दावा किया कि बोर्ड को मोबाइल फोन से भी कंट्रोल किया जा सकता है। उड़ने वाले बोर्ड को खरीदने के लिए लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा। 3 साल पहले किए गए प्रदर्शन के बाद उड़ने वाले बोर्ड को बनाने वाली कंपनी इसमें कई बदलाव करने में जुटी है। फिलहाल ये बोर्ड एक बार आधे घंटे तक बैटरी चार्ज होने के बाद 6 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इस दौरान लोग बोर्ड पर खड़े होकर जमीन से 1 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। हालांकि उड़ान के वक्त 82 किलो का बोर्ड अपने साथ 110 किलो तक का ही वजन ढो सकता है। इस बोर्ड की कीमत भारतीय रुपयों में करीब 13 लाख। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए सरकार ने अमरनाथ यात्रा बंद कर दी। साथ ही सरकार ने अमरनाथ यात्रियों और वहां घूमने आए सैलानियों से वापस लौटने की अपील की, जिसके बाद जम्मू कश्मीर से अमरनाथ यात्रियों और सैलानियों का लौटना शुरू हो गया। लेकिन यात्रा के बंद होने से सबसे ज्यादा मायूस साधु संत दिखे, जो बाबा भोलेनाथ के दर्शन नहीं होने से नाराज थे। इतनी दूर से आए हुए बाबा का दर्शन नहीं हुआ, घर को जा रहे पलट के, सब नाराज होके जा रहे। हालांकि कुछ यात्रियों को यात्रा शुरू होने की अभी भी उम्मीद है और इसी आस में कुछ लोग वहां डटे हैं। इस दौरान वहां साधुओं का एक जत्था बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाता हुआ नजर आया। सरकार की अपील के बाद से सैलानियों का भी घाटी से लौटना जारी है। मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा और कहीं दिख भी नहीं रहा,
कोई डर किसी के ऊपर। जम्मू कश्मीर के इस हालात के लिए कांग्रेस ने सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी ने अपने सामने खड़ी कर ली और ये जो आज चुनौतियां हैं ये इनकी गलत नीति की वजह से ये चुनौतियां ये समस्याएं सामने आई। जबकि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की तैनाती की बात कही और लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील की। इसमें किसी को भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। गुजरात के छोटा उदयपुर में भारी बारिश के बाद सड़क पर भरे पानी के तेज बहाव में एक आदमी बह गया। वहां हुई कई घंटों की बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी क्योंकि वहां कई इलाकों में पानी भर गया और एक जगह पर हालात ऐसे बन गए कि एक आदमी पानी के तेज बहाव में बहने लगा। पानी के साथ बहते जा रहे इस आदमी को सड़क किनारे खड़े एक दूसरे आदमी ने पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि आदमी बहता हुआ आगे चला गया। इस आदमी को बहता देख वहां मौजूद लोग घबरा गए। हालांकि गनीमत यह है कि वहां एक जगह पर सीमेंट की छोटी दीवार बनी थी और कुछ लोग पहले से मौजूद थे जिन्होंने इस आदमी को पकड़ लिया और वो अब सुरक्षित। बिहार के पूर्णिया में डायवर्जन से टकराने की वजह से यात्रियों से भरी एक बस में आग लग गई। बताया गया कि यह बस मुजफ्फरपुर से सिलीगुड़ी जा रही थी जिसमें डायवर्जन से टकराने के बाद आग लग गई। इस बस में 45 लोग सवार बताए गए जिनमें 7 की झुलसकर मौत हो गई, 20 से 25 लोग जख्मी हो गए। हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यूपी के बागपत में दो बदमाशों ने एक एटीएम को तोड़ने की कोशिश की लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वो कामयाब नहीं हुए। हालांकि एटीएम तोड़ने की उनकी पूरी हरकत वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई जिसमें एक बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधकर एटीएम के अंदर घुसता दिखा लेकिन एटीएम के अंदर का मुआयना करने के बाद वो बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद बदमाश हाथ में कपड़ा लेकर एक बार फिर से एटीएम के अंदर घुसा और वहां रखी एक कुर्सी को एटीएम के दूसरी तरफ ले गया और उस पर चढ़कर वहां लगे सीसीटीवी पर कपड़ा बांध दिया। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि वहां एक दूसरा कैमरा भी है जो छिपा हुआ है। तभी उसका दूसरा साथी चेहरे पर लाल कपड़ा बांधकर और हाथ में एक रॉड लेकर अंदर घुसा और बिना वक्त गवाए एटीएम को खोलने लगा। थोड़ी देर की कोशिश के बाद उसने एटीएम के निचले हिस्से को खोल लिया। इसके बाद बदमाश उस हिस्से को खोलने लगा जहां पैसे रखे हुए थे लेकिन लाख कोशिश के बाद भी एटीएम का वो हिस्सा नहीं खुला जिसके बाद दोनों बदमाश खाली हाथ एटीएम से बाहर चले गए। घटना के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। इनका मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, वो सीसीटीवी से देख करके इसकी विवेचना करेंगे। राजस्थान के भरतपुर में एक आदमी की मौत के बाद उसके परिवार के लोगों ने जमकर हंगामा किया। आरोपी के आदमी की एक शोरूम में गोली मारकर हत्या कर दी गई जिसके बाद परिवार ने पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया और अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इस दौरान परिवार के लोगों की पुलिस के साथ बहस भी हुई और जब पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की तो गुस्साए लोगों ने पुलिस को धक्का मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया। मांग ये है कि हमारे भाई की निष्पक्ष जांच हो, मेडिकल बोर्ड से उसका मेडिकल हो, सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। जिसके बाद लोग शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। गुस्साए लोगों ने सड़क पर बैरियर लगा दिए और वहां बाइक से आ रहे कुछ लोगों को जबरन लौटा दिया जिसके बाद सड़क पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। परिवार के लोगों ने आदमी की हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच की मांग की। नवयुवक की हत्या की गई है उसके बारे में मेडिकल बोर्ड बनवाया है, उस मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा, तीन जो आदमी गिरफ्तार हुए उनके साथ इन लोगों के सामने उनसे पूछताछ होगी। मामला बढ़ता देख भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और लोगों को शांत कराने की कोशिश करने लगा लेकिन लोगों का हंगामा जारी रहा जिसके बाद राज्य के पर्यटन मंत्री लोगों से मिलने पहुंचे और लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिया जिसके बाद हंगामा शांत हुआ। उसके साथ लड़के थे उनको हमने डिटेन किया हुआ है, एफआईआर अब लेकर के उसके हिसाब से विधिवत कार्रवाई होगी। वहीं इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी का भी दावा किया। अमेरिका के ओरेगन में बीते हफ्ते जंगल में लगी आग करीब 12,000 एकड़ के दायरे में फैल गई। इस आग की चपेट में आने से झुलसे 9 दमकल कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जबकि भीषण आग की वजह से जंगल का ज्यादातर इलाका शमशान की तरह दिखने लगा। जंगल के सैकड़ों पेड़ आग की लपटों में घिरे नजर आए। ऐसा लगा जैसे पहाड़ पर ज्वालामुखी का लावा धधक रहा हो। आग इतनी भीषण लगी कि दूर से उसका धुआं पहाड़ से काफी ऊंचाई तक उठता नजर आया।
firefighters are keeping pretty busy. They have been going on a number of incidents. तेज हवा और गर्मी की वजह से आग और ज्यादा तेजी से फैली। आग की वजह से ओरेगन में प्रदूषित हवा होने का अलर्ट जारी किया गया और लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई। We got everything out and packed the cars and had them ready to go. आग वहां के हाईवे तक पहुंच गई, जिसके बाद कई सड़कों को बंद कर दिया गया। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। दमकल कर्मियों ने हेलीकॉप्टर की मदद से वहां की एक झील से पानी उठाकर आग वाली जगहों पर गिराया। पटना मॉब लिंचिंग मामले में 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पटना में चोरी के शक में पीट पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 6 महिलाओं समेत 32 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के कानपुर में सवारी बैठाकर रेस लगा रहा ई रिक्शा हादसे का शिकार हो गया। कानपुर में ट्रेन के इंजन पर टिकटॉक वीडियो बना रहा एक युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से घायल हो गया। राजस्थान के टोंक जिले में व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो पर की गई टिप्पणी के बाद हुए विवाद में एक बुजुर्ग को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। झारखंड के देवघर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से 51 लाख रुपए गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई गई। बिहार के कैमूर में 2 पक्षों के विवाद में हुई फायरिंग में 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। यूपी के आजमगढ़ में 12 लाख रुपए की लूट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के प्रयागराज में बीजेपी पार्षद के घर हमला करने वाले एक इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के वैशाली में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। राजस्थान के अलवर में पुलिस ने एक कार से करीब 22 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक आदमी पुल पार करने की कोशिश में पानी में बह गया। बताया गया कि आदमी शराब के नशे में पुल पार करने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से वो हादसे का शिकार हो गया। इस घटना का एक वीडियो सामने आया, जिसमें भीषण बाढ़ के बीच ये आदमी पुल पर चलता हुआ दिखाई दिया, जबकि आदमी के चारों तरफ केवल पानी ही पानी नजर आ रहा था। हालात इतने खराब थे कि बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा था। बावजूद इसके ये आदमी उसी पानी के बीच से होकर पुल पार करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान आदमी कई बार लड़खड़ाता हुआ भी दिखाई दिया, जबकि पुल के इस पार खड़े कई लोगों ने आदमी को आवाज देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने लोगों की आवाज़ नहीं सुनी और आगे बढ़ता गया। इसके बाद आदमी पुल के किनारे पहुंच गया, लेकिन इसी बीच वो तेज लहर की चपेट में आकर गिर गया और बहाव के साथ बह गया। घटना के वक्त मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद आदमी की तलाश शुरू कर दी गई। रूस के साइबेरिया में एक बार फिर भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। एक महीने में दूसरी बार आई बाढ़ के बाद वहां के कई इलाकों में आपदा विभाग ने कई टीमों को रवाना किया, क्योंकि दोबारा आई बाढ़ वहां के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आई, जिसकी चपेट में आने से कई रिहायशी इलाके फिर पानी में डूब गए। आसमान से देखने पर वहां के कई मकानों की केवल छतें ही नजर आईं, न तो सड़कें दिखीं और न ही लोगों के खेत या वहां के मैदान नजर आए। हर जगह पानी ही पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि बचाव दल को नावों की मदद लेनी पड़ी। एक इलाके में नदी का किनारा कटने से पानी रिहायशी इलाकों में घुसता दिखा। बिजली का एक खंभा तो पानी के तेज बहाव में गिर पड़ा। एक महीने में दूसरी बार बाढ़ आने के बाद वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें हर तरह की मदद का भरोसा दिया। बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने पीने की चीजें और दूसरा सामान हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने पानी में फंसे लोगों को बचाने का अभियान चलाया। एनडीआरएफ की टीम ने इस बीच एक परिवार के 7 लोगों की जान बचाई, जिसके लिए एनडीआरएफ की टीम एक नाव के जरिए उस मकान तक पहुंची। इसके बाद मकान के ऊपरी हिस्से पर मौजूद 7 लोगों को लाइफ जैकेट पहनाकर नीचे लाया गया और फिर चारों तरफ रस्सी का एक घेरा बनाकर उन्हें नाव में एक एक कर बिठाया गया। रस्सा छोड़ो, रस्सा छोड़ो। एनडीआरएफ की टीम ने इस दौरान आसपास भी जांच की और एक आदमी को लाइफ जैकेट पहनाकर उसे नाव तक ले गए। बताया गया कि जब परिवार के 7 लोगों को मकान से निकाला गया, उस वक्त वो काफी डरे हुए थे। हमारी टीम ने बड़ी सफलता के साथ प्लस सभी की सेफ्टी के साथ हमने काम किया, क्योंकि पानी का जो बहाव था वो बहुत तेज था। एनडीआरएफ की टीम ने इस दौरान दूसरे गाँवों में मौजूद कुछ जानवरों को भी बचाने का दावा किया।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि कुछ लोग और कुछ समूह देश के अंदर माहौल को खराब करने वाली हरकतें कर रहे हैं। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द प्रेजेंट टाइम्स आर विटनेसिंग बेलिजरेंट एंड रेकलेस बिहेवियर बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड सम ग्रुप्स। आई एम होपफुल दैट सच इंसिडेंट्स वुड टर्न आउट टू बी एक्सेप्शंस। महाराष्ट्र के पुणे में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मूथा नदी का जलस्तर बढ़ गया। इसके बाद खड़कवासला डैम से पानी छोड़ा गया। पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया था, जिसके बाद शांतिनगर इलाके में पानी में डूबे घरों से लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 250 से ज्यादा परिवारों को पानी से बचाकर निकाला गया। इसके लिए एक रस्सी का सहारा लिया गया और लोगों के घरों से जरूरी सामान को भी निकाला गया। पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आया। जहाँ तक नजर गई सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। मकानों के अंदर कमर के ऊपर तक पानी भरने से लोग बेहद परेशान नजर आए। सिर्फ इंसान ही नहीं जानवरों को भी बचाने की पूरी कोशिश की गई। गायों को रस्सी से बांधकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक लाया गया। खड़कवासला डैम का पानी छोड़े जाने से पहले प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए निचले इलाकों को खाली करा लिया, जिसके बाद लोग पानी में डूबे अपने मकानों से सामान निकालकर एक गाड़ी में रखते दिखे। पीएमसी जो है कॉरपोरेशन, वो पूरी तरह इनकी देखभाल करेगा और इनको शिफ्ट भी करेगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की। महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश का कहर जारी है। महाराष्ट्र के पुणे, पालघर और थाने में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। भारी बारिश को देखते हुए आज मुंबई, थाने और पालघर के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं पुणे के शांतिनगर इलाके में भारी बारिश के बाद करीब 250 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया। पुणे में 250 लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया है। स्कूल वहां पर बंद है, भारी बारिश का अलर्ट है और अगले कुछ दिन ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं। मुंबई, थाने और पालघर में भारी बारिश हो रही है, ऐसे में लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जा रहा है। लगातार दो दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से मुंबई बेहाल हो गई। पानी भरने से जहाँ लोग परेशान दिखे, वहीं अलग अलग हादसों में दो लोगों की भी मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन और सतर्क हो गया और मुंबई के सायन इलाके में सड़क पर खुले मेन होल के आसपास खतरे का निशान लगा दिया, जिसके बाद वहां से गुजरने वाले लोग सावधान हो गए और खतरे के निशान से दूरी बनाकर निकलते दिखे। सायन में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। सड़कें तालाब बन गई थीं और लोग उसमें डूबकर जाने को मजबूर दिखे। कुछ सड़कों पर ज्यादा पानी भरने के बाद उन्हें बंद कर दिया गया था। ऐसा ही हाल मुंबई के बकोला इलाके में भी दिखा। सड़कों पर बारिश का पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां कोई दरिया बह रहा हो। इसी बीच सड़कों पर बारिश से भरे पानी में कुछ बच्चे खेलते भी दिखे। इस बीच मुंबई के कुछ इलाकों में लोगों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा। बारिश और पानी भरने के बाद मुश्किल से जूझ रहे लोगों ने अपनी परेशानियों का जिक्र भी किया और हर साल सामने आने वाले ऐसे हालात के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। हर साल ऐसे ही पानी भरा रहता है, बहुत तकलीफ होती है हर साल में। जबकि कुछ लोगों ने प्रशासन की लापरवाही को पानी भरने की वजह बताया। ये जो पानी है वो बारिश का पानी नहीं है, मेट्रो का जो पानी है उन्होंने यहाँ पे छोड़ा है और उसका तकलीफ जो है वो सब पब्लिक को जा रहा है, पूरा झोपड़पट्टी में पानी घुसल है। भारी बारिश की वजह से नाला सुपारा में सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़कें पानी में डूबी दिखी, जबकि रेलवे स्टेशन पर बारिश का पानी प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के बाद लोकल ट्रेनों को रोक दिया गया। अंधेरी में लगातार बारिश की वजह से सबवे में पानी भर गया, जिसके बाद पुलिस वालों ने सुरक्षा के लिहाज से उस रास्ते को बंद कर दिया। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक।